तो ये देखो दोस्तों, आज शनिवार है और पहली तारीख है और 12 बज चुके हैं और ये टाइम, और ये जापान में आपको दिखा रहा हूँ। और ये देखो रोडों में नया साल लग चुका है, लेकिन देखो रोड एकदम खाली है। और ये देखो देखो सारे कोई नहीं है, बस एक दो आदमी जा रहे हैं। तो ये देखो ये तो ये लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हैं हैप्पी न्यू ईयर के लिए। और देखो रोड एकदम खाली खाली सी है। ये देखो तो जापान में 12 बज चुके हैं और देखो रोड एकदम खाली है। और ये लोग कहाँ कहाँ जाते हैं आपको मैं दिखाता हूँ। और कहीं भी देखो, नहीं तो इस समय इतनी भीड़ लगी होती गाड़ी मोटर, और ये लोग अब ड्यूटी करके जाते हैं साइकिल में, ट्रेन से, गाड़ियों से, बसों से। तो अभी देखो खाली पड़ी है, तो रोड आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होंगे। आदमी दिखाई दे रहे हैं और आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होंगे। जो आपको मैंने पहले दिखाया था वो दूसरी जगह थी, और ये देखो दूसरी जगह है। और ये देखो ये है मंदिर, और देखो ये देखो मंदिर में है। ये देखो तो इतनी ठंड है कि थोड़ी थोड़ी बर्फ़ पड़ रही है और दिखाई नहीं दे रही कैमरे में। और ये देखो ये लोग देखो ऐसे रस्सी में घंटी बंधी रहती है, उसको हिला के और बजाते हैं। और ये देखो कितनी भीड़ लगी है, देखो वो देखो। तो ये देखो तो यहाँ पहले ही काउंटर डाउन हो चुका है और हैप्पी न्यू ईयर हो चुका है। और ये देखो तो रोड पे एकदम कोई नहीं है। और आपको मैं दिखाता हूँ कि ये लोग नए साल के लगने से पहले लोग ये लोग कहाँ पे जमा होते हैं। और रोड एकदम खाली है, पूरी जापान खाली हो जाता है एकदम से, जैसे कर्फ्यू लग जाता है ना। वैसे भी कोरोना है और ओमिक्रॉन अभी चल रहा है जापान में। तो ये देखो ये है, ये देखो ये यहाँ जमा रहते हैं। ये देखो भीड़ है, तो ये देखो लाइन लगी इधर लाइन। जितने भी जापान में मंदिर होंगे तो ये मंदिर है मंदिर। और मंदिरों में देखो हैप्पी न्यू ईयर के दिन कितनी भीड़ लगी रहती है। तो रोड पे तो कोई नहीं है भाई। तो देखो ये लोग नए साल में हैप्पी न्यू ईयर के दिन सारे लोग मंदिर में इकट्ठा होते हैं। ये देखो जनवरी पहली तारीख हो चुकी है और 12:20 हो रहे थे। और ये देखो ये लोग नए साल में देखो मंदिर में आते हैं। देखो ये लोग भी पूजा पाठ करते हैं भाई हैं। और ये देखो पूरी रोड खाली है उधर की साइड में, लेकिन ये जितने मंदिर होंगे ना जापान में वहीं लगी होगी भीड़, बाकी सब रोड खाली है। साल में नए साल में पहले दिन ये ज़रूर किसी न किसी कीमत में ज़रूर जाते हैं। चार अभी 12 बज रहे हैं, चाहे वो 1 बज जाएंगे, 2 बज जाएंगे, 3 बज जाएंगे, आज सुबह
सुबह तक इनकी भीड़ लगी रहती है मंदिरों में। तो ये देखो, तो सब लोग जाते हैं भाई ये मंदिर में। तो जापान में ज़्यादातर लोग बुद्धिस्ट होते हैं, और वो देखो एक पंडित जी अंदर हैं, वो पूजा पाठ कर रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, और ये बुद्धिस्ट होते हैं। ये देखो काफ़ी भीड़ है। क्या करते हैं, पहले ताली बजाते हैं। ये देखो ये ताली बजाते हैं, फिर घंटी बजा के, फिर सर झुका के जापानी तरीके से, और फिर पैसे भी चढ़ाते हैं। और तो ये है जापानी पाठ पूजा करने का तरीका। और ये देखो, ये पैसे चढ़ा रहे हैं, और फिर ये घंटी बजाएंगे, फिर ताली वाली बजा के, और ताली मतलब अपनी मन्नत को, भगवान को खुश करने के लिए ताली बजाते हैं। और फिर ये देखो घंटी बजा रही है। ये देखो पूरी भीड़ है, ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी है रात के 12 बजे। यहाँ से कितनी सारी लाइन लगी वो अंदर जाके, इतने तो ऐसे नोटबंदी हुई थी तभी भी नहीं लगी थी हैं इतनी लंबी लाइन। ये देखो अंदर तक लगे हुए लोग लाइन में, कम से कम 200-300 आदमी हैं, और आधे चले गए आगे, अभी आएंगे, सुबह तक आते रहते हैं। वो देखो भीड़ आ रही है वहाँ से। और बोलने का मतलब ये है कि देखो रोड खाली थी, और ये देखो, और इतनी ठंडे की बर्फ़ पड़ रही है थोड़ी थोड़ी। और ये देखो सब लोग, सब जवान जवान लड़के भी हैं। ये देखो ये लाइट में बर्फ है, बर्फ़ पड़ रही है। और ये देखो लोग कितनी भीड़ हैं, अभी लोग आए रहे हैं, सुबह तक आते रहेंगे, बहुत भीड़ लगेगी। और ये लोग मंदिर में सारे लोग जाते हैं, अंदर से लेके उतनी दूर से लेके, ये लोग सब देखो कितनी भीड़ है। देखो और बहुत बहुत पीछे तक लाइन है। तो अंदर वो बैठे हैं पंडित जी, और वो मंत्र पढ़ रहे हैं। और तो ये देखो ये सब बुद्धिस्ट होते हैं। तो बहुत ठंड है भाई, तो इन्होंने आग भी जला रखी है। और ये देखो पीछे काफ़ी भीड़ है, और खाने पीने की दुकान भी है।